दर्शी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। सभी बैठे हैं, एक बड़ा सुंदर सा एक छोटी सी कथा है, बड़ी एक सुंदर बात आपके हृदय में प्रकट करने वाली। जीवन आपका है और उस जीवन को दो रूप में जीवन होता है, एक अच्छा और एक बुरा। दिखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं, दिखने में पता नहीं लगता कि बुरा क्या है अच्छा क्या है। एक बार की बात, एक राजा के पास एक जौहरी आया और जौहरी के पास दो हीरे। हीरे दोनों दिखने में एक जैसे, बड़े सुंदर हीरे। जौहरी ने जाकर के राजा को दोनों हीरे दिए और कहा कि महाराज, एक एक हीरे की कीमत 125,000 रुपए। उस जमाने में 125,000 कई करोड़ों से ही भी ज्यादा था, पर कीमत तो इतनी है महाराज। अरे ये हीरे में से एक नकली है और एक असली है। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन हीरों में से ये बता दे कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो दोनों हीरे आपको दे दिए जाएंगे। परंतु आपके राज्य में किसी ने नहीं बताया तो ये इन दोनों हीरों की कीमत मैं आपसे लेके जाऊंगा, हीरे भी मैं लेके जाऊंगा। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि यहाँ कोई बुद्धिमान है? तो मंत्रियों ने कहा यहाँ तो सारे ही बुद्धिमान है, क्योंकि पूछ लो किसी से सारे कहते माना हो ही था मैं हो ही जाना, कोई भी चाहे छोटा है उससे भी पूछ लो वो भी कहते माना हो ही था। तो देखो तो कहा सारे जानते हैं सारे बुद्धिमान। राजा ने कहा कि तो सबको बुला लो और हीरे बताने शर्त रख ली, 3 दिन का समय, 72 घंटों में कार्य पूरा होना। अब लाइन से आए, कोई कहे ये असली कोई कहे ये असली, मर क्यों असली क्यों नकली किसी को पता नहीं, कोई ना बताए। धीरे 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 चलते गए। अब सारे कोई भी नहीं बता सका तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा क्रोध में खड़े होकर के बोलने लगे, आज मुझे पता चला कि मैं तो मूर्खों का राजा हूं। अब बड़ा क्रोध आया, कोई नहीं बता सकता। एक आदमी पीछे बैठा था, उसने हाथ ऊपर किया कि मैं बता दूं। बोलो तुम्हारे को कोई अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा, आओ। जब वो चला तो बार बार गिरने लगा। अब बार बार गिरे तो लोग हंसने लगे, बोले ओहो अंधा देख के बताएगा हीरे, अंधा हीरे देखेगा और बताएगा कौन असली कौन नकली, क्योंकि वो अंधा था। और जब राजा के पास में पहुंचा तो राजा को कहने लगा कि राजन आपने ये अंधों की सभा क्यों बुलाई? लोग और हंसे, बोले खुद अंधा और हमें अंधा बता। वो बोला राजन मेरी तो आंखें फूटी है, मर मर आरो तो यू बोले मेरी तो आंखें फूटी है मरे या तो नहीं फूटा। राजा ने कहा कि बात तो ठीक है, मर हीरा तो बताओ, मेरे तो श्वास भी, क्योंकि अब घंटे 2 बजे 70 हो चुके थे। तो अब जैसे ही दोनों हीरों को उसने हाथ में उठाया और उठाते ही राजा को कहा कि ये राजन असली है ये नकली है। ज्वेरी बोले झूठ बोल रहा है, बोले नहीं ये ज्वेरी झूठ बोल रहा है। बोले असली और नकली की पहचान क्या है? बोले असली हीरा वो है जो कितनी भी धूप पड़े फिर भी कभी गर्म नहीं होता, ठंडा का ठंडा रहता है, वो असली हीरा है। और जो थोड़ी सी धूप पड़ने पे गर्म हो जाता है वो कांच है, वो नकली हीरा है। अब आप लोगों का जीवन है हीरे के समान, आप असली हैं या नकली है मैं तो नहीं बताऊंगा कि कौन असली कौन नकली, मगर देख लेना कि थोड़ी सी विपत्ता आने पर थोड़ी सी बात इधर उधर की होने पे जो क्रोध में लाल हो जाता है वो असली हीरा हो नहीं हो सकता, और जो बड़ी बात निकल जाए फिर भी ठंडा का ठंडा रहे वही असली हीरा है। इसलिए असली हीरा बन करके जीवन व्यतीत करना है। ये जिस दिन ये जीवन हम असली हीरे की तरह जिएंगे उस दिन जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। तो आइए मेहमान को पहले दें।